लेटर जॉर्ज स्टीवेंसन बिल्ड द लोकोमोटिव इंजन। उसके बाद जॉर्ज स्टीवेंसन ने लोकोमोटिव इंजन बनाया। दिस प्रिमिटिव इंजन रैन फर्स्ट ऑन द स्टॉकटन टू डार्लिंगटन रेलवे लाइन्स। इस ओली इंजन को सबसे पहले स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक की रेलवे लाइन पर चलाया गया। ही वॉज कंसिडर्ड द प्रिंसिपल इन्वेंटर ऑफ द रेल रोड लोकोमोटिव। जॉर्ज स्टीवेंसन को रेल रोड लोकोमोटिव इंजन का मुख्य आविष्कारक माना गया। स्टीवेंसन लेटर डेवलप मच मोर पावरफुल इंजन सच एज द ब्लूचर इन 1814। फिर 1814 में स्टीवेंसन ने और ज़्यादा पावरफुल इंजन बनाया, जैसे कि ब्लूचर। ही ऑल्सो बिल्ड द फेमस रॉकेट। उन्होंने फेमस रॉकेट भी बनाया, विच रीच द स्पीड ऑफ 22 MPH, रनिंग विथ लोड्स एज हैवी एज 12 tons एंड कवरिंग 14 miles इन जस्ट 69 minutes, जो कि 22 MPH की स्पीड से लगभग 12 टन के करीब हैवी टन्स लेके 14 miles की दूरी 69 मिनट में तय कर सकते थे। द अडेप्टेशन ऑफ स्टीम इंजन टू रेलवे बिकम अ कमर्शियल सक्सेस विद रॉकेट इन 1829। स्टीम इंजन का अडेप्टेशन विद रॉकेट 1829 में एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल सक्सेस बन गया। जॉर्ज स्टीवेंसन इज नोन एज द फादर ऑफ द रेलवे। जॉर्ज स्टीवेंसन को फादर ऑफ द रेलवे कहा गया। द स्टीम इंजन गेव वे टू अदर इंजन दैट रन ऑन पेट्रोल और ऑयल्स। स्टीम इंजन ने अदर इंजन्स को भी मतलब बनाने का रास्ता दिखाया, बनाने का एक गाइडेंस दी, जो कि पेट्रोल और ऑयल पे चलते थे। दीज इंजन्स रन मच फास्टर, येट इट बिकम अ रीज़न टू वरी व्हेन इट एडेड द एयर पोल्यूशन कॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये इंजन बहुत तेज़ी से चलते थे, लेकिन इनकी वजह से एक चिंता का कारण बन गया कि क्योंकि इसे एयर पोल्यूशन होने लगे, क्योंकि ये जो स्टीम इंजन थे वो फॉसिल फ्यूल्स पे चलते थे, पेट्रोल ऑयल पे चलते थे, जिसकी बर्निंग से ऑयल एयर पोल्यूशन और तेज़ी से बढ़ने लगा। द पावर ऑफ स्टीम हैज़ लेटर बीन यूज टू रन स्टीम टर्बाइंस। उसके बाद स्टीम पावर का यूज़ स्टीम टर्बाइंस में किया जाने लगा। दीज टर्बाइंस वर्क सिमिलर टू द विंड मिल। ये जो टर्बाइंस थी वो बिल्कुल ही विंड मिल जैसे पवन चक्की काम करती है, वैसे ही काम करती थी। द स्टीम अंडर द हाई प्रेशर शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ब्लेड ऑफ द टर्बाइंस विच वुड मेक देम टर्न। जो स्टीम को बहुत ही हाई प्रेशर के साथ ब्लेड्स के तरफ डायरेक्ट मतलब छोड़ा जाता था उसके तरफ, जिससे कि वो घूम सके, मैं एकदम जैसे कि हाई प्रेशर स्टीम की वजह से वो ब्लेड घूम सके। लेटर द स्टीम इज पास ऑन स्टेशनरी ब्लेड। फिर उसके बाद स्टीम को स्टेशनरी ब्लेड पर पास किया जाता था। दे देन डायरेक्ट द स्टीम ऑन टू रोटेटिंग ब्लेड्स। फिर उसके बाद स्टीम को रोटेटिंग जो ब्लेड थी रोट करती थी उसके तरफ घुमा दिया जाता था। द स्टीम एक्सपेंड एज इट्स टर्न द ब्लेड। जैसे जैसे ब्लेड्स घूमते जाती थी वैसे वैसे स्टीम जो थी और एक्सपेंड फैलती जाती थी। कॉन्सिक्वेंटली बोथ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द स्टीम आर लोअर, जिसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर जो स्टीम का रहता था वो लो हो जाता था। द टर्बाइन कैन हैव 3 सेट्स ऑफ ब्लेड्स दैट वर्क एट लोअर एंड हायर स्टीम प्रेशर। इनके टर्बाइन में 3 सेट्स ऑफ ब्लेड्स होती थी जो कि लोअर हाई स्टीम प्रेशर पर काम करती थी। दस हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू पावर दैट कैन मूव थिंग्स। इसकी वजह से हीट एनर्जी जो थी अब वो किस में ट्रांसफर हो गई, पावर में, चीज़ों को घुमाने के। टुडे स्टीम इंजन आर यूज्ड टू मेनी इंडस्ट्रियल पर्पस। आज स्टीम इंजन का बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिन, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। काइंडली सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज़।